आइसोलेटर। इस लेक्चर में हम लोग आइसोलेटर के बारे में डिस्कस करेंगे। यह लेक्चर आइसोलेटर टॉपिक का फर्स्ट पार्ट होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। पहले जानते हैं कि आइसोलेटर है क्या। आइसोलेटर इज अ डिसकनेक्टिंग स्विच यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम टू आइसोलेट द टू सेक्शंस फॉर रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस पर्पस। यानी कि आइसोलेटर एक डिसकनेक्टिंग स्विच है जो कि इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में दो सेक्शंस को मेंटेनेंस और रिपेयर पर्पस से आइसोलेट करने के लिए यूज किया जाता है। इट ऑलवेज ऑपरेट्स अंडर नो लोड कंडीशन। आइसोलेटर हमेशा नो लोड कंडीशन पर ही ऑपरेट होता है। किसी भी परिस्थिति में आइसोलेटर को लोडेड कंडीशन में, यानी जब आइसोलेटर के थ्रू रेटेड करंट फ्लो हो रहा हो, तब ऑपरेट नहीं किया जाता है। आइसोलेटर्स आर नॉट यूज्ड फॉर ब्रेकिंग द लोड करंट। आइसोलेटर्स को लोड करंट को ब्रेक करने के लिए यूज नहीं किया जाता है। हेंस आइसोलेटर्स डू नॉट हैव ब्रेकिंग कैपेसिटी और मेकिंग कैपेसिटी। इसलिए आइसोलेटर की ब्रेकिंग कैपेसिटी या मेकिंग कैपेसिटी नहीं होती है। इट डज नॉट हैव एनी आर्क क्वेंचिंग मीडियम। आइसोलेटर में कोई आर्क क्वेंचिंग मीडियम नहीं होता है, इसलिए आइसोलेटर को हमेशा नो लोड कंडीशन पर, यानी जब करंट नहीं फ्लो कर रहा हो, उसी समय ऑपरेट किया जाता है। आइसोलेटर्स आर यूज्ड इन एडिशन टू सर्किट ब्रेकर्स। आइसोलेटर का प्रयोग सर्किट ब्रेकर के एडिशन में किया जाता है, यानी सर्किट ब्रेकर के साथ साथ आइसोलेटर का भी प्रयोग किया जाता है। एंड आर प्रोवाइडेड ऑन ईच साइड्स ऑफ एवरी सर्किट ब्रेकर। और प्रत्येक सर्किट ब्रेकर के प्रत्येक साइड में आइसोलेटर प्रोवाइड किया जाता है। टू प्रोवाइड आइसोलेशन, आइसोलेशन प्रोवाइड करने के लिए। एंड इनेबल मेंटेनेंस, और मेंटेनेंस को इनेबल करने के लिए। व्हाइल ओपनिंग ए सर्किट द सर्किट ब्रेकर्स इज ओपन फर्स्ट एंड देन आइसोलेटर। यानी कि जब हम मेंटेनेंस पर्पस से या रिपेयरिंग पर्पस से दो सेक्शंस को आइसोलेट कर रहे हैं, तो उस केस में सबसे पहले सर्किट ब्रेकर को ओपन किया जाता है, उसके बाद आइसोलेटर को ऑपरेट किया जाता है। व्हाइल क्लोजिंग ए सर्किट द आइसोलेटर इज क्लोज्ड फर्स्ट देन सर्किट ब्रेकर। यानी जब मेंटेनेंस हमारा कंप्लीट हो जाता है, सर्किट को रीस्टार्ट करते हैं, फिर से करंट फ्लो कराते हैं, तो उस केस में, यानी जब सर्किट को क्लोज करते हैं, तो आइसोलेटर इज क्लोज्ड फर्स्ट। पहले आइसोलेटर को क्लोज करते हैं और उसके बाद फिर सर्किट ब्रेकर को क्लोज किया जाता है। टाइप्स ऑफ आइसोलेटर्स। आइसोलेटर कितने प्रकार के होते हैं। द थ्री टाइप्स ऑफ आइसोलेटर्स आर यूज्ड इन प्रैक्टिस। यानी कि प्रैक्टिस में तीन प्रकार के आइसोलेटर यूज किए जाते हैं। पहला है हॉरिजॉन्टल सेंट्रल रोटेटिंग डबल ब्रेक आइसोलेटर, दूसरा है वर्टिकल ब्रेक आइसोलेटर, और तीसरा है पेंटोग्राफ आइसोलेटर। तो तीनों के बारे में हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे, लेकिन इस लेक्चर में हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल सेंट्रल रोटेटिंग डबल ब्रेक आइसोलेटर के बारे में डिस्कस करेंगे। हॉरिजॉन्टल सेंट्रल रोटेटिंग डबल ब्रेक आइसोलेटर। दिस टाइप ऑफ आइसोलेटर कंसिस्ट्स ऑफ थ्री इंसुलेटर स्टैक्स पर पोल। यानी इस प्रकार के आइसोलेटर में प्रत्येक पोल पर तीन इंसुलेटर स्टैक होते हैं। टू स्टैक्स आर ऑन ईच साइड एंड आर फिक्स्ड। दो स्टैक जो हैं वो प्रत्येक साइड में होते हैं और वो फिक्स्ड होते हैं। द स्टैक एट द सेंटर इज रोटेटिंग वन। और जो स्टैक सेंटर में होता है वो रोटेटिंग नेचर का होता है। द सेंट्रल रोटेटिंग स्टैक कैन स्विंग अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस थ्रू अबाउट 90 डिग्री। जो सेंट्रल रोटेटिंग स्टैक है वह अपने वर्टिकल एक्सिस के अक्रॉस 90 डिग्री से स्विंग करता है, मूव करता है। ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक ऑन ईच साइड द फिक्स्ड कॉन्टैक्ट्स आर प्रोवाइडेड। यानी कि ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक, यानी कि स्टैक के टॉप पर प्रत्येक साइड में फिक्स्ड कॉन्टैक्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। द सेंट्रल इंसुलेटर स्टैक कैरीज द कॉन्टैक्ट बार
एट द टॉप, यानी जो सेंट्रल इंसुलेटर स्टैक होता है उसके टॉप पे कॉन्टैक्ट वायर यानी कंडक्टिंग रड होता है जो वो कैरी करता है। नॉर्मल परिस्थिति में आपका आइसोलेटर क्लोज्ड होते हैं और उसके थ्रू नॉर्मल करंट, नॉर्मल सर्किट करंट फ्लो होता है, और ये जो सेंट्रल इंसुलेटर स्टैक है वो फिक्स्ड हॉरिजॉन्टली, वो कॉन्टैक्ट वायर हॉरिजॉन्टली फिक्स्ड होते हैं। द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस टाइप ऑफ आइसोलेटर इज शोन इन फिगर, यानी हॉरिजॉन्टल टाइप जो आइसोलेटर होते हैं उसका कंस्ट्रक्शन फिगर में दिखाया गया है। ये फिगर जो है आपका, ये हॉरिजॉन्टल सेंट्रल रोटेटिंग डबल ब्रेक आइसोलेटर है। इसमें एक पोल पे तीन इंसुलेटर स्टैक हैं और ये आपका एक कॉन्टैक्ट वायर है जो कि सेंटर में सेंटर के अक्रॉस ये रोटेट करता है, और ये दोनों फिक्स्ड कॉन्टैक्ट हैं, और ये जो कंडक्टर वायर है, रोटेटिंग वायर है, ये नॉर्मल सिचुएशन में ये इन दोनों फिक्स्ड कॉन्टैक्ट के साथ ये कनेक्टेड रहता है, और जब आइसोलेटर को ऑपरेट किया जाता है तो उस केस में ये 90 डिग्री के अक्रॉस यहाँ से रोटेट होते हैं और यहाँ से ये दोनों ओपन हो जाता है और सर्किट हमारा डिसकनेक्ट हो जाता है। इन क्लोज्ड पोजीशन द कॉन्टैक्ट शाफ्ट कनेक्ट्स द टू फिक्स्ड कॉन्टैक्ट्स, यानी क्लोज्ड पोजीशन में जो कॉन्टैक्ट शाफ्ट हैं वो दोनों फिक्स्ड कॉन्टैक्ट को कनेक्ट करते हैं। व्हाइल ओपनिंग द सेंट्रल स्टैक रोटेट्स थ्रू 90 डिग्री, जब ओपन किया जाता है आइसोलेटर को, जब ओपन किया जाता है उस केस में सेंट्रल स्टैक रोटेट्स थ्रू 90 डिग्री से रोटेट करते हैं, एंड द कॉन्टैक्ट शाफ्ट स्विंग्स हॉरिजॉन्टली, और जो कॉन्टैक्ट शाफ्ट है वो हॉरिजॉन्टली स्विंग करता है गिविंग ए डबल ब्रेक प्रोवाइड करता है, दोनों फिक्स्ड कॉन्टैक्ट पर से वो ब्रेक हो जाता है और सेंटर के अक्रॉस रोटेट करता है 90 डिग्री के थ्रू अपने वर्टिकल एक्सिस के से हॉरिजॉन्टली 90 डिग्री पे वो रोटेट करता है और हमारा सर्किट जो है वो आइसोलेट हो जाता है। द आइसोलेटर्स आर माउंटेड ऑन ए गल्वेनाइज्ड रोल्ड स्टील फ्रेम, यानी कि आइसोलेटर को गल्वेनाइज्ड रोल्ड स्टील फ्रेम पे माउंट किया जाता है, उस पे जोड़ा हुआ रहता है। द थ्री पोल्स आर इंटरलॉक्ड वाई मीन्स ऑफ स्टील शाफ्ट, ये तीनों फेज के लिए जो आइसोलेटर होते हैं इनको इंटरलॉक किया हुआ रहता है, तीनों पोल को इंटरलॉक किया जाता है वाई मीन्स ऑफ स्टील शाफ्ट की मदद से इंटरलॉक किया जाता है। ए कॉमन ऑपरेटिंग मैकेनिज्म इज प्रोवाइडेड फॉर ऑल द थ्री पोल्स, और ये तीनों पोल्स के लिए यानी तीनों फेज के लिए एक कॉमन ऑपरेटिंग मैकेनिज्म प्रोवाइड किया जाता है। तो इस लेक्चर में हमने हॉरिजॉन्टल टाइप आइसोलेटर के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वर्टिकल टाइप आइसोलेटर और पेंटोग्राफ टाइप आइसोलेटर के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।